हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, दीन दुनिया की खुशियाँ दे। तो आज मैं बनाऊंगी पालक के पकोड़े। ये पालक मैंने पत्ते इसके चुन लिए हैं, पत्ते वॉश कर लिए अच्छे तरीके से, और इसको मैं काट रही हूँ अभी। तो मैंने कहा थोड़ी सी दिखा देती हूँ, मैंने सारी काटी ऐसे, सिर्फ पत्ते हैं इसमें, डंडियाँ मैंने नहीं ली। इसमें आयरन होता है और बहुत अच्छे होते हैं ये, टेस्टी होते हैं। दूसरी, मैंने कहा आज मैं हेल्दी से पकोड़े बनाऊंगी पालक के। तो एक प्याज मैंने लच्छे वाला काट लिया है, सिर्फ एक प्याज मैंने लिया है, ऐसे बारीक बारीक काट लिया है, और इसमें ज़्यादा और कुछ चीज़ें नहीं डलेंगी, आलू वगैरह ये, क्योंकि पालक के पकोड़े हैं तो पालक ही डलेगी। ये माशाल्लाह सीजन की पालक आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है, फ्रेश व्रश। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, तीन सब्ज मिर्चें ले ली हैं, एक प्याज ले लिया है। तो इसका मसाला मैं रख देती हूँ, आधा घंटा कम अज़ कम छोड़ूंगी, फिर ये फूल कर बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, मज़े के बनते हैं। ये कप भर के मैंने बेसन ले लिया है, छना हुआ बेसन है। तो ये कप भर के मैंने बेसन कर लिया है, और ये कुछ मसाले मैंने ले लिए, ये सूखा धनिया चम्मच भर के मैंने ले लिया है, ये जीरे का चम्मच ले लिया है, ये कश्मीरी मिर्च, ये दरला मिर्च आधी चम्मच, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच रेड मिर्च, और एक चम्मच नमक हसबे ज़रूर, जितना आपको पसंद है। ये जो सूखा धनिया है इसको थोड़ा सा मसल के डालना है, प्याज मैंने डालने हैं इसमें, और पानी डालना है। पानी इतना नहीं डालना क्योंकि पालक में भी पानी होता है, उसको मैंने वॉश किया है, उसमें भी पानी है। तो ये माशाल्लाह मैंने प्याज डाले हैं इसमें, इसको ऐसे करूंगी ये अलग अलग से लच्छे लच्छे बन जाएंगे। तो बकाया इसमें आलू वगैरह नहीं डलते, इसलिए कि ये पकोड़े पालक के हैं। अभी इसमें डालती हूँ, ये अभी हाथ से काम होगा इंशाल्लाह, जो हाथ का काम होता है ना। सारी पालक डाल देती हूँ, आज मैं बनाऊंगी पालक के, तो फिर पालक तो होनी चाहिए माशाल्लाह, ये बहुत ही मजे के होते हैं बच्चों के लिए, जो मुंह पे दाग धब्बे बनते हैं ये पालक, उसके लिए जूस बना के बच्चों को दो, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, ये बहुत हेल्दी होती है, इसमें आयरन होता है, तो माशाल्लाह ये अच्छी होती है। मैंने सारे डाल दिए पालक, इसको कम से कम आधा घंटा छोड़ूंगी, बेसन भी फूल जाएगा और बहुत मजे के बन जाएंगे। मैं नरम हाथ से कर रही हूँ, पालक को मसलना नहीं है, प्याजों को पहले मैंने मसल लिया है कि अलग अलग हो जाए, ये अलग अलग हो गए प्याज। तो पालक को ताज़ा ताज़ा रहना चाहिए, ये अभी आधा घंटा इसको छोड़ूंगी रेस्ट पे। अभी इसको ढाप के मैं छोड़ देती हूँ, सबुज धनिया तो होना चाहिए और सबुज मिर्चें काटी हैं, काट दी इनको। डाला है दही, इसीलिए डाला कि दही के साथ नरम नरम अंदर से रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, और दही खटास मजे का होएगा, बनेगा। और नींबू का रस भी डाल सकते हैं, मैंने दही डाला है। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है, अभी मैं इसको फ्राई करती हूँ, ये बिल्कुल A1 रेडी। सबुज मिर्च डाली, सबुज धनिया डाला है, माशाल्लाह अब मज़ा आएगा ये पकौड़ों में। पकौड़े तो मैंने दिए हुए हैं, मेरे लिंक पे जाएं, पकौड़े तो बने हुए हैं आलू वगैरह के, लेकिन ये पालक के पकौड़े, मैंने कहा फरमाइश आई कि पालक के पकौड़े बनाएं, तो ताज़ी ताज़ी फ्रेश फ्रेश पालक आ रही है, तो ये मैंने फिर पालक के पकौड़े अभी इनको फ्राई करती हूँ पान में। तो ये आधा घंटा हो चुका है इसको,
माशाल्लाह, जितना फूलना था ये फूल चुका है। तो ये फ्राई पैन मैंने चढ़ाया है, थोड़ा सा गर्म हो जाए, टप हो जाए, तो इनको पकौड़े डालती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का। ये हाथ से मैं डालूँगी, चम्मच वगैरह से नहीं। जो पकौड़े हाथ से टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, वो मज़े के होते हैं, चम्मच से तो एक गोल से शेप बन जाती है। गर्म हो रहा है, तो ये माशाल्लाह ऑयल गर्म हो चुका है। ये पालक के पकौड़े बहुत ही मजे के होते हैं, टेस्टी होते हैं माशाल्लाह। तो बनाएं, आप ही खाएं, हमें बताएं कैसे बने। जितने आते हैं इसमें डाल देती हूँ। माशाल्लाह ये देखें, इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें। माशाल्लाह ये देखें कैसे मजे मजे के आए हैं। इनका कलर चेक करें, रेड रेड कलर आया है और बीच में ग्रीन ग्रीन पालक, बहुत ही मजे का इनका। मैंने एक छोटा सा जो पहले डाला था वो मैंने चेक किया है, माशाल्लाह बहुत ही मजेदार, मजा आ गया। ऑयल गरम मैंने चेक किया था ना, छोटा सा डाला था, वो मैंने खाया है, बहुत ही मजे का है, परफेक्ट मेरे मसाले पूरे डन हो चुके हैं। इनको निकालती हूँ, ऑयल अच्छे तरीके से इनका निकाल लें, ऐसे करके हो सके तो नीचे टिश्यू पेपर रख लें, एक्स्ट्रा एयर जो होता है वो निकल जाता है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मजे के आते हैं। माशाल्लाह ये देखें, एक पेच मैंने निकाला है, अभी दूसरा डालने लगी हूँ। ये दूसरा बैच हो गया इनका, एक रेडी हो गया। साथ मैंने चटनी बनाई है, दही और अनारदाना, अच्छा सब मिर्चे हैं, पुदीना, ये मैंने वो डाले इसमें। पहला बैच मैंने निकाल लिया है, माशाल्लाह देखो क्या खुशबुएं आ रही हैं, और बहुत ही मजे की खुशबुएं आ रही हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालनी पड़ती है, वो मैं दिखा नहीं सकी, जब मैंने इसको रेस्ट के लिए छोड़ा था तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल ली थी, तो उसकी क्या खुशबू है माशाल्लाह। तो ये बनाएं, एंजॉय करें, देसी फूड होम को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, जो कर रहे हैं उनका शुक्रिया बहुत बहुत, जल्दी जल्दी करें, हमें अब सपोर्ट चाहिए आपकी। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे ज़्यादा शेयर करें, फैमिली फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। माशाल्लाह ये देखें हो चुका है, तो माशाल्लाह ये सारे हो चुके हैं, ये आखिरी रह गए। ये देखें माशाल्लाह ये कितने मज़े के बने हैं, ये पालक के पकौड़े हैं, और ये आप बनाएं, एंजॉय करें। माशाल्लाह ये देखें सॉफ्ट नरम, ये माशाल्लाह पालक, पालक तो बहुत अच्छी होती है, हैरान होता है। माशाल्लाह ऐसे बनाएं, मज़े मज़े के एंजॉय करें, हमें भी याद रखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ये आखिरी बैच है बस, ये निकालती हूँ। कलर इनका माशाल्लाह बहुत मज़े का आया है, ये किचन में लाइट येलो कलर की है, तो इसलिए कलर इसका थोड़ा ब्राउन ब्राउन आपको नज़र आ रहा होगा, वरना इनका कलर माशाल्लाह रेड कलर बहुत मज़े का है। साथ मैंने चटनी बनाई है,
ये दही की चटनी बनाई है, पुदीना डाला है, दही डाला है, ये चटनी साथ बनाई है मजे की। और पकौड़ों के साथ चटनी ना हो तो पकौड़ों का मजा ही नहीं आता। आप भी ऐसे बनाए मजे मजे के, ये देखें इतने मजे के हैं, इतने नरम है अंदर से। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।